क्या आप शुरू से अपार्टमेंट में रह रहे हैं और आप चाहते हैं कि आपको बहुत ही लग्जरी लाइफस्टाइल मिले तो ये वीडियो आपके लिए है। अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू अ न्यू व्लॉग। दिस इज हारिस। हम लोग आए हुए हैं बहरिया अपार्टमेंट्स। अच्छा, तो भाई ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो शुरू से अपार्टमेंट में रहते हैं और उनकी आदत भी अपार्टमेंट में रहने के लिए। तो भाई ये वीडियो आप लोगों के लिए, हम आपको बता रहे हैं कि बहरिया टावर्स का लाइफ स्टाइल, अपार्टमेंट्स का लाइफ स्टाइल कैसा है। तो जो लोग देखना चाहते हैं कि यहाँ का लाइफ स्टाइल कैसा है, तो स्टे कनेक्टेड टिल एंड। यहाँ पे मैं आपको बताता चलूँ, यहाँ पे 2 बेड अपार्टमेंट्स हैं, 3 बेड अपार्टमेंट्स हैं और 4 बेड अपार्टमेंट्स का एक ही टावर है। मेजॉरिटी टावर्स जो हैं वो 2 बेड अपार्टमेंट्स के हैं। अच्छा, मैं आपको ये बताता चलूँ कि यहाँ पे 2 बेड अपार्टमेंट्स आपको इस वक्त मिलता है अप्रॉक्स 80 से 90 लाख रुपये में। 2 बेड साफ़ सुथरा अपार्टमेंट मिलता है। इसकी मेंटेनेंस अप्रॉक्स है 4200 है इस वक्त मेंटेनेंस, क्योंकि मेंटेनेंस थोड़ी सी इंक्रीज़ हो गई। लेकिन यहाँ का कॉरिडोर, यहाँ का रिसेप्शन, उसका कोई कंपैरिजन नहीं है। बहुत ही साफ और बहुत ही आला ज़िंदगी है। अच्छा, एक बात तो मैं आप लोगों को ये बता दूं कि यहाँ के जो अपार्टमेंट्स हैं, अगर उसका आप कंपैरिजन करें तो कराची के 3-4 करोड़ रुपए के अपार्टमेंट से भी नहीं कर सकते। अच्छा, मेजॉरिटी अपार्टमेंट्स में रहने वालों का ये होता है कि अपार्टमेंट्स में सिक्योरिटी है, तो ये बिल्कुल सही बात है। यहाँ के स्पेशली जो अपार्टमेंट्स हैं उनमें तो बहुत ही ज़्यादा सिक्योरिटी है भाई। अगर आपने ऊपर भी जाना है और यूर अ गेस्ट, तो यहाँ पर आपकी पिक्चर्स भी ली जाती हैं, NIC भी लिया जाता है। तो यहाँ की सिक्योरिटी अपार्टमेंट्स की बहुत ज़्यादा सख्त है। वो कहते हैं ना कि परिंदा भी पड़ नहीं मार सकता। अच्छा भाई, यहाँ की मैं आपको बताऊँ, यहाँ की लाइफ है थोड़ी डिफरेंट। ये कराची की अपार्टमेंट जैसी लाइफ नहीं है कि सास बहू का फड्डा हो गया। तो बराबर वाले आ गए, फड्डा किस बात का। तो भाई यहाँ ज़्यादातर लोग वो रहते हैं जो हैं माइंड योर ओन बिजनेस वाले, तो यहाँ पे इतनी इंटरेक्शन नहीं होती अपार्टमेंट्स में। आप लॉबी में भी जाएंगे तो लॉबी बिल्कुल एंटी होती है और इतना ज़्यादा सोशल नहीं है। अच्छा, सोशल वो होता है लाइक इफ यू आर सोशल, लोग पार्क में आते हैं नीचे और यहाँ दोस्तियाँ हो जाती हैं और यहाँ जान पहचान बन जाती है पार्क्स वगैरह में या नीचे। लॉबी में इतना कोई ऐसा नहीं है। ज़्यादातर लोग वही हैं जो मेजॉरिटी बाहर से आए हुए हैं। अच्छा भैया, अगर आप कराची में 4-5 करोड़ रुपए का भी अपार्टमेंट लेते हैं, तो ये कहना गलत नहीं होगा कि उसकी मेंटेनेंस जो है वो बहरिया के 80-90 लाख रुपए के अपार्टमेंट के बराबर भी नहीं होगी। क्योंकि यहाँ के अपार्टमेंट्स आप देखें ना, 2014-15 बने हुए, लेकिन कहीं पर भी स्टीपेज नहीं आई और बहुत ही नीट और बहुत ही। अच्छा, प्रिसेंट 19 की ख़ास बात ये है कि पेट्रोल पंप यहाँ बहुत करीब है, फूड स्ट्रीट बनी है जो यहाँ पे बिल्कुल वॉकिंग डिस्टेंस पे है, हॉस्पिटल बिल्कुल करीब है। लोगों को 10-11 वालों को अगर डॉक्टर के पास जाना होता है तो काफ़ी दूर से आना पड़ता है, यहाँ पे सिर्फ वॉकिंग डिस्टेंस पे है। और दूसरी चीज़ है लाइक गेट यहाँ पे सिर्फ 1-1.5 किलोमीटर पे है, तो
इट्स वेरी इकोनॉमिकल और बहुत अच्छी जगह है बेरी अपार्टमेंट्स, छोटी फैमिली के लिए भी, एंड इफ़ यू हैव अ बिग फैमिली तो 3-bed or 4-bed अपार्टमेंट्स भी हैं यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे मेजॉरिटी 2-bed अपार्टमेंट्स हैं। अच्छा, देखा ये जाता है कि यहाँ पे रहने वाले भी वो हैं, मेजॉरिटी मिडल ईस्ट वाले लोग हैं और अच्छी फैमिलीज रहती हैं। अच्छा, मैं आपको बाहर से एक थोड़ा सा स्नीक एंड पीक करा देता हूँ कि यार ये देखिए ये कॉरिडोर है, ये देखिए कितना क्लीन है। अच्छा, ये कहना गलत नहीं होगा कि इसका कॉरिडोर में जाते ही ऐसा लगता है कि कोई 3-star के होटल का कॉरिडोर है, और रिसेप्शन भी बहुत ही आला है। सबसे मेन चीज़ है सफाई निस्फ़िमान, जिस पे बहरिया कॉम्पनसेट नहीं करता। अच्छा, ये कहना गलत नहीं होगा कि बहरिया अपार्टमेंट्स जो हैं वो द मोस्ट पॉपुलेटेड एरिया है बहरिया टाउन कराची का। सामने ही मस्जिद है और उसके साथ ही ये ड्रीम मार्ट है, और अगर आपको कोई चीज़ खानी है गोल गप्पे बर्गर तो भाई आप गैलरी जा सकते हैं, गैलरी में ये सारी चीज़ें अवेलेबल हैं। आपका मोबाइल वाले भी हैं और ग्लासेस वाले भी हैं और काफ़ी चीज़ें हैं गैलरी में, तो सब चीज़ें वॉकिंग डिस्टेंस पे हैं। और यहाँ का लाइफस्टाइल एक इकोनॉमिकल लाइफस्टाइल है, इसका रेंट अप्रोक्स 20,000 to 25,000 है इस वक्त, और अगर आप परचेज़ करने जाते हैं तो 80 to 90 lakh रुपीज़ के ब्रैकेट में आपको मिल जाता है। 20-25,000 रुपये में कराची में कोई अपार्टमेंट नहीं मिलता 2-bed, मिलता भी है तो वो ऐसा मिलता है कि वो तसव्वुर नहीं कर सकते। और अगर आप ख़रीदने भी जाते हैं तो 80-90 lakh रुपए में कराची में ऐसा कोई अपार्टमेंट नहीं मिलता जो इतना बेहतरीन मेंटेन्ड और इतना साफ सुथरा। LPG सिलेंडर्स की स्टोरी ख़त्म हो गई है यहाँ पे अपार्टमेंट्स में, और यहाँ पे सिंथेटिक नेचुरल गैस 24/7 प्रोवाइड हो रहा है, तो यहाँ पे पानी भी 24 घंटे है, गैस भी 24 घंटे है, और लाइट तो यहाँ जाती ही नहीं है। भाई अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो और इन्फॉर्मेशन मैंने अच्छी दी है तो ज़रूर लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और अगर आपकी कोई क्यूरी है और आप बहरी अपार्टमेंट्स के बारे में कुछ जानना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में आके कमेंट करें, और अगर आप चाहते हैं मैं किसी और जगह जाके वीडियो बनाऊं और आपको अपडेट करूं तो वो भी पॉसिबल है, आप आके कमेंट सेक्शन में रिक्वेस्ट कर सकते हैं। अच्छा भाई, 956 सब्सक्राइबर्स हमारे हो चुके हैं, आवर जर्नी एंड आवर ट्रेन इज़ गोइंग टूवर्ड्स 1K सब्सक्राइबर्स, सो थैंक यू सो मच जिन्होंने सब्सक्राइब किया, और जिन्होंने अब तक नहीं सब्सक्राइब किया तो फौरन सब्सक्राइब करें। एनी क्यूरी रिगार्डिंग बहरिया अपार्टमेंट्स, इफ़ यू वांट टू बाय और सेल इट, फर्स्ट ऑफ ऑल हैं तो हम रिलेटर, ब्लॉगर तो बाद में हैं, तो भाई लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और इफ़ यू आर इंटरेस्टेड इन बाइंग एनीथिंग तो माई नंबर इज़ गिवन बिलो, यू कैन कॉन्टैक्ट ऑन माई नंबर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, हाफिज़।